गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमारेश्वर तंत्र यक्षिणी साधना। आज जिस यक्षिणी की हम बात कर रहे हैं वो अनुरागिनी यक्षिणी के नाम से प्रख्यात है। अनुरागिनी का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत प्रेम हो। तो इसको बहुत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया और बहुत तरीके का अलग अलग इनके बारे में साधनाएं बताया गया। अनुरागिनी की साधना इसलिए की जाती है या की जाती थी कि ये साधक पर जब खुश होती थी तो ये 1,000 सोने की मोहरे देती थी। ठीक है, अब जो अत्यंत तेज दिमाग लोग हैं वो बोलेंगे कि आप गलत बातें बता रहे हो चैनल पे। ये साधनाएं सतयुग में, द्वापर युग में चलती थीं, और ये जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ, ये मेरा दावा नहीं है कि आपको 1,000 सिक्के मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा शास्त्र बोलता है कि अगर आप इस साधना को ढंग से करोगे तो ये अनुरागिनी यक्षिणी प्रत्यक्षीकरण भी देती है और आपको 100 सोने की मोहरे देती है। ठीक है, इसको करने का दो विधान है। ठीक है, पहला विधान है कि कुमकुम ले करके और बहुत सुंदर तरीके से एक स्त्री की तस्वीर बनाए। ठीक है, और उसको एक भोजपत्र पर बनाए और उसको अनुरागिनी यक्षिणी मान करके उनका आवाहन करें कि हे देवी, तुम यहाँ पर उपस्थित हो और मेरे पूजा को स्वीकार करो। उसके बाद उनके सामने घी का दीपक, धूप, फूल, ये सब जो पंचनैवेद्य का सामान होता है वो चढ़ाना है, और इनका जो मंत्र है वो 1,000 बार जापना है। ठीक है, ये आपको प्रतिपदा से शुरू करके एक अमावस्या और फिर से जो प्रतिपदा आएगी तब तक करना है, मतलब 45 दिन की साधना है। हर रात्रि में 1,000 जाप करना है, और जाप करने के बाद ऐसा माना जाता है कि यक्षिणी प्रसन्न होकर के आती है और आपको 100 सोने की मोहरे देती है। इस विधान में जो मंत्र है वो है ओम अनुरागिनी मैथुन प्रिये यक्ष कुल प्रसुते स्वाहा। जो दूसरा विधान है उसमें कहा जाता है कि इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो केसर होता है, काबुल वाला नहीं, कश्मीरी केसर, ऐसा विधान में लिखित है, उससे भोजपत्र पर भगवती की एक प्रतिमा बनाएंगे, देवी की एक प्रतिमा बनाएंगे, और उसे चंदन, पुष्प, दीप सब प्रदान करेंगे, साथ में एक पान पर लौंग, इलायची और सुपारी, ऐसा उनको आप निवेदन करेंगे। कितना करेंगे? तो 5 सुपारी, 5 पान और लौंग इलायची। ठीक है, और इसको देवी निवेदन करेंगे। इसकी पूजा भी पूर्णिमा को शुरू होती है और अगले पूर्णिमा को समाप्त हो जाती है, मतलब 30 दिन की ये साधना होगी लगभग, और 1,000 जो है मंत्र जाप आपको हर रात्रि में करना है। जब समाप्त कर लेंगे उस पूर्णिमा के दिन एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और पूरी रात, पूरी पूर्णिमा को के रात इस मंत्र का जाप करेंगे। इसका क्या मंत्र है? इसका मंत्र पुराने मंत्र से अलग है। मंत्र है ओम ह्रीम अनुरागिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ठीक है, ज्यादातर अप्सराओं और जो यक्षिणियों का है उनका जो मंत्र होता है उसमें बीज अक्षर ह्रीम ही लगता है। ठीक है, तो ओम ह्रीम अनुरागिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ठीक है, ऐसा वर्णित है कि इस साधना को 1 महीने करने के बाद और जिस पूर्णिमा की रात्रि में आप रात भर जाप करते हैं उसके प्रातः में यक्षिणी सशरीर आती है और आपके सारी कामनाओं की पूर्ति करती है, और जाने के समय वो आपको 1,000 सोने की मुद्राएं देती है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इस यक्षिणी की साधना कर लेने से जो उम्र होता है वो 1,000 साल का हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ये सिर्फ मान्यता है कि बहुत सारे साधक जो कि लंबा जीते हैं वो इसी यक्षिणी के प्रसाद से जीते हैं।
अब ये समझिए कि इस यक्षिणी का दो विधान क्यों हैं। जो पहला विधान है इनका, वो इसलिए है, वो उन साधकों के लिए है जो कि तीव्र साधना करने के इच्छुक होते हैं, और वो ऐसे साधक होने चाहिए जो कि गृहस्थ नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस मंत्र के बाद जो यक्षिणी आती है वो अत्यंत वेग में आती है, और ऐसी यक्षिणियाँ जब वेग में आती हैं तो उनका प्रयोजन होता है अपनी क्षुधा का पूर्ति, और साथ में आपके जो क्षुधा है उसको भी शांत कर देना। तो मनुष्य में क्या है, माया है, लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी। तो वो हर जो आपका लोभ है सबको वो समाप्त करती है, आपको उससे परिपूर्ण करके। जो दूसरी साधना है वो साधक लोगों के निमित्त है जो कि जीवन में धन और वैभव पाते हैं, और साथ में एक ऐसा जीवन पाते हैं जो कि लंबा हो और उसमें कोई भी रोग ना हो। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना के शुरुआती विषयों को जानना है, जो समझना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें आसन बंधन और जो भी साधनाएं आपको जाननी चाहिए गुरु मंत्र लेने से पहले, वो आपको मैं सिखाता हूँ। डायरेक्ट बात करने के लिए एक ऐप है, कॉल मी फॉर ऐप, उसको आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप सर्च करेंगे रूत्र मैथड सीएम को, तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ विशेष जानकारियों के लिए, मेरे विचार, साधकों के विचार जानने के लिए www.aghortantrahasya.com एक वेबसाइट है, तो मेरे द्वारा संचालित होता है, उस पर पढ़ के अभी आप ज्ञान ले सकते हैं। माँ भगवती आप सभी को स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश आला खादेश।